नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। सब बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते फर्टिलाइजर खासकर डीएपी के दाम बढ़ने की वजह से भारत समेत पूरे एशिया में धान किसान इसका इस्तेमाल घटा रहे हैं। इसके चलते चावल के प्रोडक्शन में भारी कमी आने की आशंका है, जो दुनिया की आधी आबादी का मुख्य भोजन है। भारत से लेकर वियतनाम और फिलीपींस तक बीते एक साल में विभिन्न उर्वरकों के भाव 3 गुना तक हो गए हैं। इसके चलते किसानों ने प्रोडक्शन बढ़ाने वाले इन केमिकल्स का इस्तेमाल कम कर दिया है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का आकलन है कि इसकी वजह से अगले सीजन में चावल का वैश्विक प्रोडक्शन 10% यानी कि 3.6 करोड़ टन तक घट सकता है। इतने चावल से 50 करोड़ लोगों का पेट भरा जा सकता है। वही प्रोडक्शन में कमी का ये आकलन कम है। यदि यूक्रेन में युद्ध जारी रहता है तो चावल के प्रोडक्शन में 10% से ज्यादा कमी आ सकती है। ये गंभीर मामला है, इसलिए कि डिनर टेबल पर आने वाली हर थाली में खाद की बड़ी भूमिका होती है। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।